हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं अमित सिंह आर्या और आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं सीयूईटी के रिगार्डिंग सभी फॉर्म्स के बारे में। और उसकी क्लासेस भी चल रही हैं अलग अलग टाइमिंग पे, 8 से 10 सुबह में भी और 8 से 10 शाम में। जरूर ज्वाइन करिएगा, ये ग्रैंड मैराथन सेशन हमारा कम से कम 4 घंटे का अभी चल रहा है। आने वाले टाइम में 10 से 12 घंटे क्लासेस चलेंगी, सारे कुछ फ्री, और जो पेड वाले बच्चे हैं उनकी तो चली रही है। सबसे जरूरी बात आपके लिए क्या है कि ये 5 गलतियां मत करना। मैंने खुद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए, यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किया है मैंने, और आपको लगातार अपडेट कर रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर के यूजी, पीजी, पीएचडी जो भी बच्चे हैं जहाँ के, उन सबको मैं गाइड कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, फॉर्म भरने में ये 5 गलतियां हैं, 5 से ज्यादा भी हैं, बहुत मतलब वो है, क्या कहते हैं, नॉर्मल है, सभी बच्चे करते हैं। पहला गलती क्या करते हैं, जब वो साइबर कैफे में फॉर्म भरवाने जाते हैं। देखो भैया, साइबर कैफे को आपके जिंदगी की नहीं पड़ी है, आपके कैरियर की उसको नहीं पड़ी है, उसको क्यों पड़ेगा? वो तो अपना पढ़ लिख के वो कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो फॉर्म दूसरे का भर रहा है दूसरे, लेकिन उसको बहुत ज्यादा अगर आपकी सिर्फ एक व्यक्ति का टेंशन लेगा तो बाकी लोगों का नहीं हो पाएगा, तो वो भी इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि साइबर कैफे में चले जाते हैं, हमको रामबाण मिल गया, उसके बाद हमारा फॉर्म गलत नहीं हो सकता है, वो गलत डाल देता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, बच्चे जो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं वो हमसे कहते हैं, आप गलत शुरू में कर दोगे, बाद में कहोगे सर एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, कब आएगा, क्या करेंगे, वो 1-2 दिन के लिए आता है यार, उसमें भी मिस हो जाता है। सो आपको क्या समझना है, आपके फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म की पूरी डिटेल जो है आपको आई बटन पे मिल जाएगी, क्लिक करके देख लो, पूरी डिटेल मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा एक्सप्लेन किया है। पहली चीज आपको जो करनी है वो आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको डेट का ध्यान रखना है, ना शुरू में भरना है ना आखिरी में भरना है। डेट आपको यहां दिख रहा है, मैं थोड़ा साइड हो गया, देखो आपको 27 फरवरी से 26 मार्च तक है, डेट को ध्यान में रखना है पूरा अच्छे से। नहीं ध्यान रखोगे तो क्या होगा, क्या होगा, गड़बड़ियां होंगी। अब गड़बड़ी किस तरीके की होंगी आप खुद जान रहे हो, शुरू में भरोगे हड़बड़ी में तब भी गड़बड़ी है भाई, और लास्ट में भरोगे तब भी गड़बड़ी है। लास्ट में नहीं भरा पाता है फॉर्म, बहुत हेजिटेशन, बहुत डर, और ये चीज है, बीच वाले दिन में भरो, मतलब 4-5 दिन रुक जाओ, क्योंकि सुधार होता है। एनटीए पिछले कई साल से मैं इसमें लगा हुआ हूं, और बच्चों को मैं हमेशा कहता हूं, उनको अनुभव भी हो गया होगा जो पुराने बच्चे हैं, और मुझे अपना अनुभव जो है उसके सेंस पे आपको बता रहा हूं कि आपको थोड़े दिन रुक जाने चाहिए, जो सुधार होने वाले होंगे। आपको मैंने कल दिखाया था, अभी भी वेबसाइट पूरा ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज अपनी पहली गलती तो आपको ये करते हो कि जल्दी से फॉर्म भर देते हो, जल्दी जल्दी में नहीं। अगर मोबाइल से भी भर रहे हो तो हमें आप पूछो जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट में कैसे फोटो कन्वर्ट करना है, ताकि जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं वो आराम से भर, हालांकि साइबर कैफे वाला 1-2 सौ रुपए लेता है, वो आपका भर देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपको अपनी कैटेगरी का, अगर आपने फॉर्म में कैटेगरी आराम से चूज करना है, अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या बनवा सकते हो या उस कैटेगरी में आते हो, तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट ये एक अलग पॉइंट है, ठीक है? तो कैटेगरी ध्यान से चुनना, मेल फीमेल ये सब तो ध्यान से चुन ही लेना, हालांकि हर डिटेल आपको वो बार बार कहेंगे देख के आगे बढ़ने के लिए, तो आप देख लेना, ठीक है? बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि मेरा बन जाएगा सर, सेंट्रल का सर्टिफिकेट ले या स्टेट का सर्टिफिकेट ले, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओ, सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया करो। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में जाओगे तो यूपी का, बिहार के यूनिवर्सिटी में जाओगे तो बिहार का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। समझ में आ गया? ये चीज आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ये क्रिटिकल हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, चाहे वो साइबर कैफे में जाए या अपने घर पे जाए, देखो कोई भी बच्चे को जब मोबाइल देते हैं तो गार्जियन उसमें अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर देते हैं। बहुत ऐसे गार्जियन हैं जो क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो हमारा ही ले लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे दिक्कत तब आती है जब वो ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको नहीं पता होता है। अब मान लो बाई चांस आप जब यूनिवर्सिटी में गए, सारा डिटेल उसी पे आ रहा है, मैंने ऐसे बच्चों को रोते हुए देखा है, परेशान देखा है, जो लास्ट में एडमिट कार्ड एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपना, क्योंकि उसी पे सारा डिटेल गया हुआ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके अपने मोबाइल का होना चाहिए, ये सबसे बेहद लचीले चीज है। बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ी में, अगला अगला कुछ मिस्टेक सुनो, बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ी में यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं या नहीं चूज करते हैं, आप यहां देखोगे तो आपको पता चलेगा और आपको ये समझ में आएगा कि यूनिवर्सिटी का जो है वो अलग एक कहानी चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको, यूनिवर्सिटी का एक अलग प्रॉब्लम चल रहा है उनके अपने वेबसाइट पे। जब तक इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आएगा तब तक आप प्रॉब्लम में फंसे रहोगे कि भाई इसका एग्जाम होगा नहीं होगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि उसकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में उसकी रिक्वायरमेंट देख करके आपको सब्जेक्ट चूज करना है कि जनरल टेस्ट मांग रहा है कि नहीं, मान लो बीएचयू मांग रहा है तो जो जो मांग रहा है उस कोर्स का, आपका अपना कोर्स है, आपने वो यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट किया है, उसकी रिक्वायरमेंट देखो। हड़बड़ी में छोड़ देने से नहीं होता है, ठीक है? हम लाइव आएंगे, लाइव पढ़ाते भी रहेंगे, तभी आपके सवालों का भी जवाब देंगे, आप बने रहो।
उसके बाद वो रिक्वायरमेंट जो फिल करोगे तभी आप एलिजिबिलिटी होगी। एक चीज इसमें खास बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार ऐसा हुआ है जब बच्चों की सीट फुल नहीं होती है तो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं भी किए हो तभी आपको मौका दे दिया जाता है। ये कब होता है? जब सीट फुल नहीं होता है। लेकिन अब सब लोग सीयूटी को जान गए हैं, सब लोग अवेयर है, तो ये चीजें नहीं होंगी। बात समझ में आ रहा है? सभी अपने अपने यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन ध्यान से भरेंगे तभी आपको इसको भरने में मजा भी आएगा, नहीं तो जल्दी जल्दी में भर दोगे। क्या सब्जेक्ट आपको कौन सा विश्वविद्यालय मांग रहा है ये तो आपको पता ही नहीं है। तो BHU, DU, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब धीरे धीरे अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अगली गलती जो बच्चे करते हैं प्लेस ऑफ रेजिडेंस को लेकर के करते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस देखो हमेशा अस्थायी पता डाला करो, वो फॉर्म में भी कह रहा है कि अस्थायी पते से ही आपका दिया जाएगा एडमिट कार्ड। समझ में आया? आपको एकदम रीसेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? रीसेंट के कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अपने अस्थाई पता ये भी ध्यान रखना है अस्थाई पता का। EWS सर्टिफिकेट वालों के साथ दिक्कत क्या है कि उनको लगता है कि हम कुछ दिन में बनवा लेंगे तो वो EWS टिक कर देते हैं। तो ये से आपको खास बनना है, इसमें गलती नहीं करनी है। कॉमन मिस्टेक्स बच्चों की क्या होती है? अब जैसे इस बार होगा ऑफलाइन भरे कि ऑनलाइन भरे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर ये फॉर्म में आप देखोगे तो आप यूनिवर्सिटी और कोर्स पे सिर्फ फोकस रखो। बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो वो ऑफलाइन सेशन उसका करवाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, सेंटर भरने में बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं? सेंटर भरने में सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि उनको पहले कौन सा ऑर्डर में भरना है ये नहीं आता है। मान लो कि आपके घर से लखनऊ नजदीक है, पटना दूर है, लखनऊ नजदीक है, गांधीनगर दूर है, तो नजदीक वाला फर्स्ट प्रेफरेंस में भरो। हाँ, 2-3 दिन 4 दिन के बाद साइट जब ठीक चलेगा तो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे? दूसरे नंबर पे उसके प्रायोरिटी में, सेंटर की कमी नहीं है, सेंटर बहुत है भाई, देख लो 380 से ज्यादा सेंटर आई थिंक यहाँ दिखाया दिया है, देख लो 380। UAE में जाके एग्जाम दे सकते हो, जिसको UAE, दुबई या कतर वगैरह जाकर के एग्जाम देना है हमसे बताएगा, हम भी चलेंगे उसके साथ, ठीक है? तो इतने सेंटर है, तो आपका जो भी सेंटर होगा वो मिल जाएगा, देख लो बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये सब चीजें आपको भटकनी नहीं है, समझ में आ रहा है ना? इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इस बार वेबसाइट चेंज हो गया है, तो पहला चीज तो वेबसाइट देख लो, ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरा जाएगा। तो जो ऑफलाइन वाला इंतजार कर रहे हैं या वो भी ये भी सोच रहे होंगे जो एग्जाम हाइब्रिड में हो रहा है, तो कहीं अभी एग्जाम इस बार हाइब्रिड हो रहा है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो रहा है। आपको इसके बावजूद भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो ये नंबर और ईमेल आईडी याद रखिएगा, बच्चों को बड़ी काम आता है इसका, ये नंबर और ईमेल आईडी ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसकी याद आने वाली है क्योंकि हर साल याद आता है बच्चों को, ठीक है? वो परेशान हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। मैं इतना समझा रहा हूं ना, आपको गारंटी देता हूं आप ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लोगे, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कोई करता है, वो हो जाता है भाई, बच्चे हैं। समझ में आ रही है बात? तो आपको ये ध्यान रखना है कि गलती ना हो, ठीक है? आगे फिर जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है और उसके क्या कोड है यहाँ पे दिए हुए हैं, कोड भी ध्यान से पढ़ना है, वो पूरा प्रोसेस तो हमने अगले वीडियो में बताया हुआ है। ये थे कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाली बातें जिससे बच्चे बहुत रोते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका बड़ा भाई हमेशा आपके साथ है, कोई भी कमेंट से पूछना हो आप पूछोगे, हम तुरंत जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।